Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. छोटी सी गलत फहमी थी बाबा साहेब, वो अब दूर हो चुकी है, अब सब ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो हमने देखा कि जब अहिल्या आती है, जब मल्हार राव होलकर गुरु जी से बात कर रहे हैं, तो अहिल्या आके कहती है, खुशखबरी सुनाती है कि समारोह में शामिल हो रहे हैं। खंडेराव जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो मल्हार राव होलकर जो बड़े परेशान थे, दुखी थे कि मेरा ही बेटा अपने समारोह में शामिल नहीं होगा, वो एकदम से खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी में वो कहते हैं कि वाह अहिल्या, तुमने तो मेरी चिंता दूर कर दी। तो यहाँ पे जो अहिल्या कहती है वो काबिले गौर है दोस्तों। वो कहते हैं कि छोटी सी गलतफहमी थी बाबा साहब, दूर हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो छोटी सी गलतफहमी है, इस पे तो बात करना बनता है दोस्तों कि ये जो गलतफहमी है ये कितनी छोटी है। और जो अहिल्या ने कहा है, क्या वो उसकी झूठी तसल्ली है मल्हार राव होलकर को फॉर द टाइम बिंग? चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जब अहिल्या ये बात कहती है और उसके बाद कहती है बाबा साहब आप खाना खाने चले जाइए, सासू भाई इंतजार कर रही है, तो ये देख के अच्छा लगता है कि कितने खुश हो गए मल्हार राव होलकर कि उनका बेटा शामिल होने वाला है। और उससे ज्यादा खुशी उनको इस बात की हुई कि खंडेराव अब समझ गए हैं, क्योंकि अहिल्या ने ऐसा कहा है और अहिल्या पे वो बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ पे अहिल्या की समझदारी की दाद देनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि यही रूप होता है औरत का कि अभी जो हालात है उनको ठीक करो, क्योंकि ऐसे ही हालात आगे भी ठीक होंगे। और जब गुरु जी सामने खड़े हैं तो उनके सामने तो उसको ऐसा कहना ही कहना था कि दूर हो गई है गलतफहमी, क्योंकि उस गलतफहमी का फायदा जो है गुरु जी उठाने की कोशिश में है, जो उसने सुना कि दरार डाल रहे हैं। तो ये दो चीजें जो है अहिल्या ने अपनी बातों में कह दी है, एक गुरु जी को मैसेज दे दिया है कि अब बाबा साहेब और खंडेराव में कोई गलतफहमी नहीं है, फिर बाबा साहेब को मैसेज दे दिया है कि आप रिलैक्स हो जाइए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है और कल का समारोह बहुत अच्छा होगा, खंडेराव उसमें शामिल होगा। तो ये जो झूठी तसल्ली हम कह सकते हैं, मगर कभी कभी दोस्तों ये झूठी तसल्ली उस समय बहुत काम आती है जब बंदा बिल्कुल परेशान हो, अकेला फील कर रहा हो, अपने ही बच्चों से दुखी हो, तो ये जो झूठी तसल्ली जो है कभी कभी इतना अच्छा काम करती है कि आगे के रास्ते हमें खुलते नजर आते हैं। तो ऐसी चीजें अगर लाइफ में हो तो उनको कभी नेगेटिवली देखना नहीं चाहिए, उनको पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमेशा आपको हमको एक सहारा देती हैं उस समय उस टेंशन से निकलने का, जिसमें हम पढ़ के अपने आप को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, सबको क्या कहते हैं कि बीमार करते हैं। तो ये मुझे समझ में आया, जो मैं चाहती थी आपसे भी डिस्कस करूं कि आपको ये झूठी तसल्ली, जो वाकई झूठी तसल्ली है, क्योंकि गलतफहमी बहुत बड़ी है, वो ऐसे जाने वाली नहीं है, मगर वो झूठी तसल्ली जो दी है खंडेराव के प्रति, जो अहिल्या ने मल्हार राव होलकर को दी है, क्या वो झूठी तसल्ली जैसे मुझे लग रहा है कि अच्छी है, आपको भी अच्छी लगी? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।